नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 फरवरी दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाने वाले शिक्षक हो जाए सावधान। बिहार में जल्दी शुरू होगी 3 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। 39 लाख मनरेगा जॉब कार्ड हुए रद्द। अगले महीने 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। रोहित शर्मा के फिटनेस पर कपिल देव का सवाल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ईपीएफओ ने 577 रिक्तियों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने एनफोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के कुल मिलाकर 577 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस पद के लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट को किसी भी डिसिप्लिन में बैचलर डिग्री पास होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। हालांकि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमानुसार छूट जरूर दी जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इसमें आवेदन करने के लिए www.upseonline.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि ऑनलाइन अप्लाई करने की तारीख की शुरुआत 25 फरवरी से होने वाली है, जो कि 17 मार्च 2023 तक चलेगी। फर्जी दस्तावेज पर नौकरी पाने वाले शिक्षक हो जाए सावधान। बिहार में फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले शिक्षकों के ऊपर सख्त कदम उठाते हुए विजिलेंस के डीजी आलोक राज के द्वारा ऐसे मामलों को लेकर पुलिस मुख्यालय को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया है कि वे जल्द से जल्द जिला पुलिस को यह निर्देश जारी करें कि राज्य में जितने भी फर्जी दस्तावेज के सहारे शिक्षकों के द्वारा नौकरी लिया गया है उन्हें गिरफ्तार किया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि निगरानी ने पूरे बिहार में जांच कर फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज किया है और अभी भी शिक्षकों की डिग्री जांचने की प्रक्रिया जारी है। वहीं निगरानी विभाग को अब तक इस बात की खबर नहीं मिली थी कि जिन शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था उनकी गिरफ्तारी हुई है या नहीं। इसी को देखते हुए निगरानी विभाग के द्वारा आदेश जारी कर तत्काल इन शिक्षकों को गिरफ्तार शुरू करने का आदेश दिया गया है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे पटना के इस्कॉन मंदिर के बारे में। पटना शहर का यह विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर हाल ही के वर्षों में बनाया गया है, जो ज्यादा पुराना न होकर नवीनतम कारीगरी के साथ पुनर्निर्माण किया गया है। यहां पर आने जाने वाले भक्तों और पर्यटकों के लिए कोई भी प्रकार की पाबंदी नहीं है तथा आने जाने का भी यहां पर समय की पाबंदी नहीं है। इस मंदिर का निर्माण सफेद और लाल रंग के पत्थरों द्वारा किया जा रहा है और साथ ही मंदिर के भीतरी भाग में भक्त श्री गौर निताई, श्री राधा बांके बिहारी तथा श्री राम दरबार की मूर्तियां को भी स्थापित किया गया है। पटना का इस्कॉन मंदिर की खासियत इसकी बनावट है। इसका निर्माण प्रसिद्ध ऐतिहासिक द्वारकाधीश मंदिर के तर्ज पर 84 खंभों पर किया गया है। 84 खंभों पर बनाने का दार्शनिक कारण भी है। बता दें कि पूरे इस्कॉन मंदिर का निर्माण ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के खानदान ने किया है। अगले महीने 10 दिन बंद रहेंगे बैंक। अगर आप भी अपने बैंक से जुड़े काम को निपटाने के लिए अगले महीने का इंतजार कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अगले महीने यानी कि मार्च में बैंक कुल 10 दिन बंद रहने वाले हैं। दरअसल अगले महीने होली के त्योहार के साथ साथ रामनवमी, गुड़ी पड़वा के अवसर पर भी बैंक बंद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले महीने जिन तारीखों को बैंक बंद रहने वाले हैं उनमें 5 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च, 11 मार्च, 12 मार्च, 19 मार्च, 22 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च और 30 मार्च शामिल है। बताते चले कि छुट्टी में रविवार की छुट्टी और दूसरे और चौथे शनिवार की छुट्टी को भी जोड़ा गया है। बिहार में इन छात्र छात्राओं को मुफ्त में नीट, आईआईटी, जेईई की कोचिंग कराएगी सरकार। अब बहुत जल्दी बिहार के पिछड़े वर्ग के छात्र छात्रा भी नीट, आईआईटी, जेईई की कोचिंग बिना किसी मुश्किल के कर सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर नए सत्र से 11वीं में नामांकन लेने वाले पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं को मुफ्त में कोचिंग दी जाएगी। इस बात की जानकारी पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया है कि राज्य के सभी 38 जिलों में स्थित अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, जिसमें एक शैक्षणिक सत्र में 35,000 से ज्यादा लड़कियों को ऑनलाइन पढ़ाई का लाभ मिलेगा और साथ ही छात्राओं को बड़े कोचिंग संस्थानों के स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा कन्या आवासीय विद्यालय की छात्राओं को मुफ्त में इंटरनेट की सुविधा दी जाएगी। भ्रष्ट अफसरों को लेकर ईओयू एडीजी का बयान।
इन दिनों बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ नकेल कसने के लिए ईओयू के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी को लेकर बीते दिन पटना पुलिस मुख्यालय में ईओयू के एडीजी नायर हसनैन के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा गया है कि हमारी एजेंसी के द्वारा लगातार भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ काम की जा रही है। पीसी एक्ट के तहत जांच में कई तरह के सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा की गई कार्रवाई से हम यह नहीं कहेंगे कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन पहले की तुलना में अब सारे लोग चौकन्ने जरूर हो गए हैं। पहले जब छापेमारी होती थी तो घर से काफी संपत्ति मिलती थी, लेकिन अब सभी लोग घर में पैसा गहना रखना बंद कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमारी टीम के द्वारा बालू केस से जुड़े मामलों पर भी जांच चल रही है और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। राजधानी पटना में नौकरी की मांग कर रहे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज। बीते दिन बिहार की राजधानी पटना के सड़कों पर बीटीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा बहाली की मांग को लेकर जमकर हंगामा मचाया गया। हालांकि इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच झड़प भी हो गई और पुलिस के द्वारा अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज भी किया गया और साथ ही कई अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया गया है। इस दौरान राजधानी पटना के वीरचंद पटेल पथ पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। जानकारी के लिए बता दें कि बीटीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा अपनी मांग को लेकर जेडीयू और आरजेडी कार्यालय समेत सभी राजनीतिक दलों के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा सभी राजनीतिक दलों के कार्यालय के बाहर एहतियात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीटीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन किया जा रहा था, लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं ली गई थी। होली पर बिहार के लिए चलेगी 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेन। होली के आने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में अब सभी लोग अपने अपने घर आने की तैयारी में लग चुके हैं, लेकिन ट्रेन में सीट न मिल पाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों की इन्हीं परेशानियों को देखते हुए रेलवे के द्वारा बिहार आने वाले यात्रियों के लिए 20 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन के परिचालन की शुरुआत की जाएगी, जो कुल 110 फेरे लगाएंगी। बता दें कि यह जानकारी पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार के द्वारा दी गई है। वहीं अगर आने वाले दिनों में ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ती है तो उसको देखते हुए मंडल के डिमांड के अनुसार और भी ट्रेनों का पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा बढ़ाने का काम किया जाएगा। इन ट्रेनों के परिचालन होने से यात्रियों को अब बिहार आने में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 25 फरवरी को बिहार के इस जिले में लग रहा रोजगार मेला। जिला नियोजनालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार के नवादा जिले में 28 फरवरी को रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है, जो नवादा के आईटीआई मैदान में 4 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। बताया गया है कि इस कैंप में गार्डियन सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद की कंपनी भी भाग ले रही है, जिसमें सुरक्षा जवान के लिए 100 पदों पर बहाली होगी। इच्छुक आवेदक अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार का जेरोक्स, रंगीन फोटो और बायोडाटा के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते हुए चयन के लिए कैंप स्थल संयुक्त श्रम भवन सरकारी आईटीआई नवादा के प्रांगण में आकर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि उक्त निर्धारित तिथि को रोजगार कैंप का समय सुबह 11 बजे से शुरू होगा। हालांकि इसमें वही युवा भाग ले पाएंगे जो एनसीएस पोर्टल पर निबंधित हो। बिहार में सताने लगी गर्मी, हर दिन बढ़ रहा पारा। बिहार में आए दिन मौसम करवट ले रहा है, लेकिन अब आखिरकार गर्मी ने बिहार में एंट्री मार ली है। हालांकि राज्य में सुबह शाम थोड़ा ठंड का असर लोगों को महसूस हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में हर दिन न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं पटना मौसम विज्ञान ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज तापमान अधिक रहने की संभावना है। हालांकि आज दिन भर पश्चिम दिशा के चलने वाली हवा की रफ्तार 18 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह सकती है। बता दें कि आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में हर दिन न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिहार में जल्द ही शुरू होगी 3 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया। बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। बता दें कि बहुत जल्द ही राज्य में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। दरअसल सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर बनाई गई नई नियमावली पर शिक्षा विभाग की ओर से मंजूरी दे दी गई है, जिसके बाद अब इस नियमावली को कैबिनेट के पास ले जाया जाएगा और वहां से मुहर लगने के बाद राज्य में 3 लाख शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का रास्ता पूरी तरह से साफ हो जाएगा। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस नियमावली पर 24 फरवरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बुलाई गई कैबिनेट के बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। सातवें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर खुद बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के द्वारा ट्वीट कर जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा है कि 7th फेज शिक्षक नियोजन नियमावली पर मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, अब ये कैबिनेट में जाएगा। 2023 में शिक्षा विभाग में 3 लाख से अधिक नौकरी मिलेगा। महागठबंधन सरकार ने 10 लाख नौकरी का जो वादा किया है, हम उस पर कायम है और उसे पूरा करके दिखाएंगे।
39 लाख मनरेगा जॉब कार्ड हुए रद्द। मनरेगा के वैसे कार्ड जो फर्जी और दोहरे हैं उनके खिलाफ बिहार सरकार के द्वारा सख्ती से कदम उठाते हुए उन कार्डों को रद्द कर दिया गया है। बता दें कि राज्य में सरकार के द्वारा 39,36,000 मनरेगा मजदूरों के कार्ड को रद्द कर दिया गया है, जिसमें राजधानी पटना, वैशाली, समस्तीपुर, भागलपुर, भोजपुर और दरभंगा जिला शामिल है, जहां से सबसे ज्यादा मनरेगा मजदूरों के कार्डों को रद्द किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बात का पता तब चला जब जॉब कार्ड को आधार से लिंक करवाया जा रहा था। फिलहाल अभी शेष जॉब कार्ड का सत्यापन का कार्य चल रहा है ताकि फर्जी और दोहरे कार्डों को रद्द किया जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए प्रावधान के अनुसार ऐसे मजदूरों को ही मनरेगा के तहत भुगतान किया जाना है जिनका जॉब कार्ड आधार से लिंक हो। इसी के तहत यह अभियान चलाया जा रहा है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आलोक धनवा के बारे में। आलोक धनवा का जन्म 2 जुलाई 1948 को बिहार के मुंगेर जनपद के अंतर्गत बेल भीमा गांव में हुआ था। आलोक को हिंदी साहित्य के उन कवियों में गिना जाता है जिन्होंने कविता को एक नई पहचान दी है। उनकी कविताएं सामान्य व्यक्ति के जीवन से होकर गुजरती है। भागी हुई लड़कियां, जनता का आदमी, गोली, दागो, पोस्टर, कपड़े के जूते और भ्रूणों की बोटियां उनके द्वारा रचित हिंदी की चर्चित प्रसिद्ध कविताएं हैं। आलोक धनवा की पहली कविता 1972 में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसी वर्ष फिलहाल में गोली, दागो, पोस्टर कविता प्रकाशित हुई थी। इनकी कविताओं के अनुवाद अंग्रेजी और रूसी भाषा में भी हुई है। इनके द्वारा रचित कविता दुनिया रोज बनती है ने जनमानस को बहुत प्रभावित किया है और यह साहित्य जगत में चर्चित रहा। बिहार की राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था हुई स्मार्ट। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार की राजधानी पटना को स्मार्ट बनाने की कवायद तेज हो गई है। बता दें कि इसके तहत शहर के 30 ट्रैफिक पॉइंट पर अत्याधुनिक ATCS लगना है, जिनमें से 6 पॉइंट पर बीते एक सप्ताह के अंदर अत्याधुनिक ATCS को चालू कर दिया गया है, जिनमें ट्रैफिक प्वाइंट बाकरगंज तराहा, बुद्धा कॉलोनी, JP गोलंबर, डाक बंगला चौराहा, गोलघर और इनकम टैक्स गोलंबर शामिल है। बाकी बचे 24 पॉइंट पर भी अगले 2 महीने के भीतर ATCS को चालू कर दिया जाएगा। बता दें कि ATCS के लग जाने से अब लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने में सहायता मिलेगी और साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था भी सुनियोजित होगी। इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। बिहार के विजय वत्स का IPL में हुआ चयन। क्रिकेट की दुनिया में बिहार के कई खिलाड़ियों के द्वारा अपनी पहचान बनाई गई है। बता दें कि अब इस सूची में एक और खिलाड़ी का नाम शामिल हो गया है। हम बात कर रहे हैं जिला स्तर पर पूर्व चंपारण से क्रिकेट खेलने वाले विजय वत्स के बारे में, जो कि समस्तीपुर के रहने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विजय वत्स का चयन IPL के लिए पंजाब किंग्स टीम में किया गया है। हालांकि चयन करने से पहले उन्हें ट्रायल के लिए बुलाया गया था। ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के मीडिया प्रभारी प्रीतिश रंजन के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विजय वत्स शानदार दाहिने हाथ के मध्य बल्लेबाज है और साथ ही स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं। मालूम हो कि विजय वत्स का चयन IPL से पहले रणजी टीम में भी किया जा चुका है, हालांकि उस दौरान उन्हें खेलने का अवसर नहीं मिला था। नागालैंड में चुनाव प्रचार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाई दूरी। 27 फरवरी को नागालैंड में विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन यहां भी चुनाव के प्रचार को नीतीश कुमार द्वारा नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और बंगाल विधानसभा चुनाव में भी इससे पहले नीतीश कुमार अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार करने नहीं पहुंचे थे। जदयू उम्मीदवारों की दोनों जगह जमानत तक नहीं बची। वहीं नागालैंड में जदयू की स्थिति को जदयू के वरिष्ठ नेता नारायण सिंह द्वारा बेहतर बताया गया। उन्होंने कहा कि लंबे समय से नागालैंड में पार्टी काम करती रही है। जब वशिष्ठ नारायण सिंह से नीतीश कुमार के चुनाव प्रचार में दूरी बनाने की बात पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि बजट सत्र शुरू होने और अन्य व्यस्तता के कारण वे नहीं आ सके हैं। इस दिन गृह मंत्री बिहार में लोकसभा चुनाव की भरेंगे हुंकार। आगामी 25 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौर्य काल के गौरवशाली इतिहास वाला कस्बाई शहर लौरिया के साहू जैन स्कूल के खेल के मैदान में आम सभा को संबोधित करेंगे। बता दें कि अमित शाह के स्वागत के लिए पूरा शहर भगवामय हो गया है। वहीं भाजपा की ओर से भी इसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दी गई है। मालूम हो कि इसके लिए बिहार के प्राय सभी कद्दावर नेता पश्चिम चंपारण जिले में कैंप कर रहे हैं। अब तक इस जिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा, बिहार विधानसभा में नेता पक्ष सम्राट चौधरी समेत कई दिग्गज नेताओं के द्वारा गांव-गांव में भ्रमण कर लोगों को सभा के लिए निमंत्रण दिया जा रहा है। वहीं पूरा शहर बैनर और पोस्टर से पटा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार 25 फरवरी को गृह मंत्री करीब 2 लाख लोगों को संबोधित करेंगे और फिर लौरिया चीनी मिल के किसान भवन में जाएंगे, जहां वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र कोर कमेटी के 150 सदस्य के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद अमित शाह नंदनगढ़ का भ्रमण करने जाएंगे और फिर आधे घंटे तक भ्रमण करने के बाद पटना के लिए प्रस्थान कर जाएंगे।
शत्रुघ्न सिन्हा मोदी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो तेजस्वी सीएम क्यों नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का बिहार में मुख्यमंत्री पद के दावेदार को लेकर चल रही खींचतान के बीच बड़ा बयान सामने आया है। उनके द्वारा कहा गया है कि तेजस्वी के पास वे सभी गुण हैं जो एक सीएम बनने के लिए जरूरी होते हैं। तेजस्वी यादव इस पद के लिए योग्य है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को लालू जी से जो मिला है वह तो है ही, लेकिन अब उनके पास अपना भी तजुर्बा है। सीएम पीएम बनने के लिए किसी आईएएस आईपीएस की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी यदि देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो बेचारे तेजस्वी से क्या दिक्कत है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, यदि उसे जन समर्थन प्राप्त है तो वह राजनीति में तरक्की कर सकता है। गिरिराज सिंह का विपक्षी एकता पर तंज। विपक्षी एकता के नेतृत्व पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं एक तरफ नीतीश कुमार को बिहार महागठबंधन पीएम का उम्मीदवार बता रही है तो एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी का राग अलाप रही है। अब ममता बनर्जी को भी टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने गेम चेंजर करार दिया है। उनके इस बात पर गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद है उन्होंने तंज कसा है। उनके द्वारा कहा गया है कि विपक्ष के पास एक नहीं कई गेम चेंजर है। केजरीवाल के लोग कहते हैं कि वो गेम चेंजर है। अभी केसीआर पटना आए थे तो उन्होंने भी खुद को गेम चेंजर बताया है। नीतीश कुमार खुद बड़े गेम चेंजर है, लेकिन देश में पीएम का पद खाली नहीं है। महागठबंधन की रैली पर बोले पप्पू यादव। बिहार के पूर्णिया में 25 फरवरी को महागठबंधन की रैली होने वाली है, लेकिन इस रैली के होने से पहले ही महागठबंधन के दलों के अंदर मनमुटाव नजर आने लगा है। बता दें कि महागठबंधन रैली को लेकर जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव के द्वारा मीडिया से बातचीत करते हुए महागठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा गया है कि मैं राजद को नसीहत देता हूं कि वह ऐसा घमंड नहीं करे। उन्होंने कहा कि बिहार में कहीं भी कोई घटना होती है तो डिप्टी सीएम वहां नहीं जाते हैं। अगर महागठबंधन को ठीक से चलाना है तो उन्हें बीजेपी की जो पॉलिसी है उस पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी छोटे छोटे दलों को भी साथ लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं तो महागठबंधन से अच्छी पार्टी बीजेपी है जो सभी को साथ लेकर चलती है। उन्होंने कहा कि हमें पूर्णिया में होने वाली महागठबंधन की रैली में निमंत्रण भी नहीं भेजा गया है, लेकिन हम बिन बुलाए मेहमान है, लेकिन अगर फिर भी नीतीश कुमार जी हमें निमंत्रण भेजते हैं तो हम जरूर जाएंगे। रोहित शर्मा की फिटनेस पर कपिल देव का सवाल। भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव के द्वारा टीम इंडिया के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर एक बार फिर सवाल उठाया गया है। दरअसल कपिल देव ने एक इंटरव्यू में कहा कि फिट होना महत्वपूर्ण है, लेकिन तब यह और महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप टीम के कैप्टन हो। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को अपने फिटनेस पर थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। वह एक महान बल्लेबाज है, लेकिन जब उनकी फिटनेस की बात आती है तो वह थोड़ा मोटा दिखते हैं, कम से कम टीवी पर तो जरूर दिखते हैं। हां, यह भी सही है कि आप किसी को टीवी पर देखते हैं और में देखते हैं तो दोनों में काफी अंतर होता है, लेकिन अगर आप विराट को देखते हैं तो उन्हें देखने पर ही पता चलता है कि वह फिट है। उन्हें देखने पर आप कहते हैं यह होती है फिटनेस। मैं जानता हूं कि रोहित एक महान खिलाड़ी और महान कप्तान है, लेकिन उन्हें अपनी फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। सन 1924 में महात्मा गांधी जेल से रिहा हुए। दुनिया के पहले स्वामी नारायण मंदिर का 1822 में अहमदाबाद में उद्घाटन हुआ। 1483 में मुगल साम्राज्य के प्रथम शासक बाबर का जन्म हुआ। 1924 में प्रसिद्ध भारतीय गजल गायक और अभिनेता तलत महमूद का जन्म हुआ। 1939 में हिंदी फिल्मों के मशहूर अभिनेता और निर्माता निर्देशक जॉय मुखर्जी का जन्म हुआ। 1948 में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री एवं AIADMK पार्टी की प्रसिद्ध नेता जयललिता का जन्म हुआ। 1998 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री ललिता पवार का निधन हुआ। 1986 में भारतनाट्यम की प्रसिद्ध भारतीय नृत्यांगना रूपमणि देवी अरुणडेल का निधन हुआ। 2018 में बॉलीवुड की महान अभिनेत्री श्रीदेवी का निधन हुआ। 2011 में भारतीय शिक्षा शास्त्री अमर चित्रकथा के संस्थापक अनंत पै का निधन हुआ। वायलखंड में आज हम बात करेंगे योनो खाता के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे योनो खाता के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि एक नकली संदेश प्रतिरूपण कर रहा है। तो ऑफिशियल SBI दावा करता है कि प्राप्तकर्ता का योनो खाता अवरुद्ध कर दिया गया है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अपना बैंकिंग विवरण साझा करने के लिए कहने वाले ईमेल SMS का कभी भी जवाब न दे। यदि आपको ऐसा कोई संदेश प्राप्त होता है तो उसे तुरंत report.phishing@sbi.co.in पर रिपोर्ट करें। WhatsApp
व्हाट्सएप न्यूज़लेटर टूल के साथ जल्द होगा पेश। मीटा की पॉपुलर चैटिंग ऐप व्हाट्सएप अब अपने यूजर्स के लिए एक चैटिंग ऐप से बढ़कर जरूरी जानकारियों का देने वाला ऐप भी बनने जा रहा है। व्हाट्सएप के वे यूजर जो न्यूज के लिए अलग अलग वेबसाइट पर विजिट करने से लेकर अलग अलग एप्स डाउनलोड करते हैं, उनके लिए एक बड़ी परेशानी का समाधान होने जा रहा है। WA बीटा इन्फो की एक रिपोर्ट की माने तो व्हाट्सएप के इस फीचर को न्यूज़लेटर का ही नाम दिया जाएगा या कोई दूसरा कोड नेम दिया जाएगा, यह साफ नहीं हो पाया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि व्हाट्सएप का नया टूल स्टेटस पेज पर एक ऑप्शनल सेक्शन के साथ पेश हो सकता है या प्राइवेट चैट से पूरी तरह अलग रखा जाएगा। नए टूल के साथ यूजर को प्राइवेट मैसेजिंग में एंड टू एंड इंक्रिप्शन में भी कोई बाधा नहीं आएगी, यानी नए टूल को यूजर के पूरे कंट्रोल के साथ पेश किया जाएगा। बिहार के प्राइवेट स्कूलों में RTE कोटे से बच्चों का एडमिशन। अगर आप भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं लेकिन चाहकर भी अपने इस सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि कम आय वाले लोगों के लिए सरकार की ओर से एक RTE कोटा चलाया जाता है, जिसके तहत कम आय वाले अभिभावक भी अपने बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवा सकते हैं। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार RTE के तहत नामांकन के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक बच्चे के हिसाब से करीब 12,000 रुपए सालाना फीस दी जाती है, लेकिन इससे पहले आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा जो कि आप edu-online.bihar.gov.in/rtireg/index.html पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछेगा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है पिंटू रजक, राजीव कुमार, रूपेश कुमार, अनवर करीम खान, राम नरेश यादव, भान प्रकाश मौर्य, अतीक खान, शंकर मुखिया, महमूद अंसारी, अनामिका कुमारी, कविता कुमारी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मृत्युंजय कुमार, भोला कुमार, मनोरंजन प्रसाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार मनरेगा योजना मजदूरों के लिए लाभदायक साबित हुआ है या नहीं? अपना जवाब आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।